नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू परिवार के बारे में। लालू परिवार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ साथ तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में लालू परिवार चाहता है कि दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया जाए। एक तरफ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा में आरजेडी और लालू परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब लोकसभा चुनाव के दम पर लालू परिवार चाहते हैं कि बेटी रोहिणी आचार्य के साथ साथ बहू ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़े। बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव की बीते दिनों स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई थी। उस दौरान उनको पटना के कंकड़बाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भर्ती करवाने के बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या को जब ये खबर पता चली, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचती है। इस दौरान लालू परिवार से मुलाकात करती है, रोहिणी आचार्य से भी मुलाकात होती है और राबड़ी देवी कहती नजर आती हैं कि पूरे परिवार को देखकर मैं काफी खुश हूँ। वर्तमान में तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मुद्दा लंबित है। ऐसे में पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतारने की खबरें यहाँ पर ऐश्वर्या राय के सामने आ रही हैं। पाटलिपुत्र सीट लालू परिवार के लिए, ये यूं कहे कि आरजेडी के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती रही है। लालू परिवार के तमाम समर्थक यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के लिहाज से काफी बड़ा चुनाव है, क्योंकि तमाम जांच एजेंसियों के घेरे में इस वक्त लालू परिवार नजर आ रहा है। उनकी कोशिशें ये हैं कि जिस तरीके से सारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी जो जिस तरीके से चुनौती पेश कर रही हैं, उसी कड़ी में अब यदि बहू ऐश्वर्या राय भी शामिल हो जाती है तो लालू परिवार के लिए 24 की जंग लड़ना आसान हो जाएगा और ऐसे में दिल्ली से लेकर पटना तक उनका राजनीतिक आधार तय हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू परिवार के अधिक सदस्य यहां पर मैदान में उतरेंगे और क्या ऐश्वर्या राय चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।